निवाई सकल ब्राह्मण द्वारा परशुराम जन्मोत्सव पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा राधा दामोदर जी कुंड से विधिवत पूजा अर्चना कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरंभ हुई। इस दौरान विशाल शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के युवा, महिलाएं, पुरुष शामिल हुए। शोभा यात्रा में 351 ध्वज के साथ युवा भगवान परशुराम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान बैंड भगवान की विभिन्न प्रस्तुतियां देते चल रहा था। भजनों पर महिलाएं शोभा यात्रा में नृत्य करते हुए चल रही थी। ढोल नगाड़ा पर युवक नाचते गाते चल रहे थे। डीजे की धुन पर पुरुष नाचते गाते चल रहे थे। हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता परशुराम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा राधा दामोदर सर्किल से शुरू होकर माँ कंकाली माता मंदिर, गढ़गौरी बाजार, खारी कुई, सराफा बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, बड़ा बाजार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने अहिंसा सर्किल, झिलाई रोड, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने परमहंस आश्रम होती हुई एक निजी गार्डन में पहुंची, जहां पर भगवान परशुराम के समाज बंधुओं द्वारा महाआरती की गई। सभी समाज बंधुओं में प्रसाद महाप्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान परशुराम जन्मोत्सव समिति के कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर में शोभा यात्रा के दौरान जमकर आतिशबाजी की गई। जुलूस में भगवान परशुराम का दिखाई दिया अवतार। विशाल शोभा यात्रा में भगवान परशुराम का अवतार देखने को मिला, जहां पर शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा में एक ट्रैक्टर पर राम धुन करते चल रहे थे, दूसरे ट्रैक्टर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। वहीं भगवान परशुराम का विशेष फूलों से रथ को सजाया गया। शोभा यात्रा का किया गया पुष्प वर्षा के साथ स्वागत। जी हाँ, भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर आयोजित शोभा यात्रा में जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा भी भगवान परशुराम की महाआरती की गई। जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा अल्पाहार, शीतल पेय सहित कई व्यवस्था देखने को मिली। हिंदू संगठनों द्वारा भी विशाल शोभा यात्रा में वर्षा की गई। भारी पुलिस जाप्ता देखने को मिला। शोभा यात्रा में भारी पुलिस जाप्ता शोभा यात्रा के दौरान साथ साथ चल रहा था। निवाई टोक से हमारे संवाददाता सुभाष चौधरी की रिपोर्ट।